मेरे प्यारी साथियों, सबको प्यार भरा नमस्कार स्वीकार हो। आज मैं आप लोग को एक कहानी सुनाने आ रही हूँ। एक राजा था, उसकी बेहद खूबसूरत पुत्री थी। पुत्री विवाह के योग हुई तो पुत्री ने कहा, पिताजी मेरा स्वयंवर मेरी मर्जी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, जैसा मैं चाहूँ वैसा वर हो। राजा ने कहा, हाँ बिल्कुल। उसने कहा, मैं ऐसे ही राजा शादी करना चाहती हूँ जिसको 20 तक गिनती आती है, उस गिनती में पूरा ब्रह्मांड समाया हो। अगर वो सुना देता है तो उसे मैं शादी कर लूँगी, और नहीं सुना पाता है तो उसको 20 कोड़े पड़ेंगे। राजा ने कहा ठीक। राजा ने ऐलान करा दिया। अब देश विदेश के राजा महाराजा आए, सब बड़े खुश। कह रहे 20 तक गिनती की क्या बात, सभी सुना देंगे। तो पहले तो उनका खूब स्वागत होता, अच्छे अच्छे पकवान खिलाए जाते। उसके बाद बारी आती परीक्षा देने की, तो वो गिनती सुनाते, राजकुमारी संतुष्ट हो जाती। 20 कोड़े पड़ते। अच्छा, तो दूसरे राजाओं ने देखा कि पहले वाले को 20 कोड़े पड़ रहे, कई तो भाग गए, आए ही नहीं। उन्होंने कहा, हम भैया इसमें प्रतियोगिता में शामिल नहीं होंगे। और कईयों ने कहा, ये राजकुमारी तो पागल हो गई है, इसे तो शौक है महाराजाओं को पिटवाने का। अब एक आया, दो आया, तो बगल में हलवाई खड़ा था। हलवाई हंस रहा था, कहता, अरे धिक्कार है राजाओं महाराजाओं तुम लोगों पर, आप लोगों को 20 तक गिनती नहीं आती। तो उसने कहा, क्या तुम्हें आती है? उसने कहा, बिल्कुल आती है। तो राजकुमारी वहीं बगल में खड़ी हुई थी, सुन रही थी। तो उसने कहा, जाओ फिर तुम ही सुना दो। हलवाई बोला, मैं क्यों सुना दूँ, ये प्रतियोगिता तो राजा महाराजाओं के लिए है, मैं तो ठहरा हलवाई, तो मैं भाई इस प्रतियोगिता में कैसे भाग ले सकता हूँ। तो राजकुमारी ने कहा कि नहीं, आप भी भाग ले सकते हैं, लेकिन बस शर्त ये है कि अगर आप 20 तक गिनती नहीं सुना पाए तो बाकियों को तो 20 कोड़े पड़ रहे हैं, लेकिन आपको मृत्युदंड दिया जाएगा। हलवाई बोला, मुझे मंजूर है। बोला, अगर क्या मैं सुना देता हूँ तो आप मुझसे शादी करेंगी? राजकुमारी ने कहा, बिल्कुल शादी करूँगी। तो हलवाई बोला, फिर सुनिए। अब सभी लोग वहाँ जो थे खड़े होकर बड़े ध्यान से सुनने लगे कि देखें भाई ये क्या कहता है। तो हलवाई बोला, एक भगवान, दो पक्ष, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष होता है, तीन लोक, चार युग, पांच पांडव, छह शास्त्र, सात वार, सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार इतवार। तो उसने बोला, सात होते हैं वार, आठ खंड, नौ ग्रह, दस दिशाएं, 11 रुद्र, 12 महीने, 13 रत्न, 14 विद्या, 15 तिथि। 15-15 के लिए दो तिथि आती है ना, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष। तो बोलता है 15 तिथि, 16 श्राद्ध, चाहे श्राद्ध कह लो या श्रृंगार कह लो, 16 श्रृंगार या 16 श्राद्ध, तो 16 हो गए सात श्राद्ध, और 17 वनस्पति, 18 होते हैं पुराण, 18 पुराण, 19वां तुम और 20वां मैं। अब सब के सब राजा हैरान रह गए, आश्चर्य, इस 20 की तक की गिनती में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ था, इसमें इस गिनती में संसार की सारी वस्तुएं मौजूद थीं। तो यहाँ शिक्षा से तजुर्बा बड़ा था, राजकुमारी की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। उसने कहा, हाँ जैसा मैं पति चाहती थी वो सारी खूबियाँ इस हलवाई में। उसने वरमाला हलवाई के गले में पहना दी और उनकी खुशी खुशी शादी हो गई। अब हलवाई जो था वो राजभवन में राजमहल में आकर रहने लगा, बिल्कुल राजकुमारों की भांति, और उसकी तो किस्मत ही
बदल गई। तो आप लोग को ये कहानी कैसी लगी, आपने इससे क्या शिक्षा पाई, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। मुझे आप सबके कमेंट्स का हमेशा की तरह इंतज़ार रहेगा। तो भाई सबका दिन मंगलमय हो, सबका जीवन खुशियों से भरपूर रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, शुभ भावनाओं के साथ मैं कुसुम मिश्रा आप सबसे विदा लेती हूँ। सबको बाय बाय।